हकीम 13 तीर चलेगा। जमीनी इलेक्शन NA 237 मलीर अब्दुल हकीम बलोच की इंतखाबी महम रुकन सिंध असेंबली शाजिया करीम सिंगार की मुख्तलिफ बरादरियों और खवातीन से मुलाकात। बरोज जुम्मा 14 अक्टूबर मलीर मेहरान चौक खोकरा पार में अजीमुल शान जलसे का इनेकाद किया जाएगा। NA 237 मलीर में जमीनी इलेक्शन के सिलसिले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अब्दुल हकीम बलोच के इलेक्शन मुहिम के सिलसिले में आज कच्ची बरादरियों के मुअज्जिज़ीन का अहम इजलास होगा। इजलास में तमाम बरादरियों का मुश्तरका जलसे के हवाले से हिकमत अमली और कमेटी तश्कील दी जाएंगी। गुज़रिश्ता दिनों कहर वागीर सिंगार मंदरा नोहरियो कोडीसरी लोहारवाड़ा मंगरिया नोतियार शेख पुढ़ार और दीगर लासी व बलोच बरादरियों के मुअज्जिज़ीन में से रुकन सिंध असेंबली शाजिया करीम सिंगार से राब्ता करने के बाद मलीर खोकरा पार के मेहरान चौक पर मुश्तरका तौर पर जलसे का फैसला किया गया। और मुअज्जिज़ीन ने इस अज़म का इआदा किया के मलीर की कच्ची बरादरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अब्दुल हकीम बलोच की मुकम्मल हिमायत करती है और इन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब करके इमरान खान और इनके हवारियों को शिकस्त फाश से दोचार करेंगे। मलीर की तमाम कच्ची बरादरियां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी रहनुमा उस्मान बुड़ा और शहीद हुसैन बुड़ा की कुर्बानियों को फरामोश नहीं करेंगे और माजी की तरह एक बार फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ ताबनाक वजादा होगी। कैमरामैन टीम के साथ मैं नूर, पलक न्यूज़ कराची।